नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज मैं एक फेस पैक आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने। अक्सर विंटर सीजन में हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाता है और अधिकतर फेस वॉश यूज़ करने के बाद, फेस पैक अप्लाई करने के बाद भी जो हमारा फेस है ना उस पर एक वाइट सी स्पॉट जैसी दिखती है, चेहरा बिल्कुल भी शाइन नहीं करता। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको एक अच्छी फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ। इस पैक से आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, साथ ही साथ ये जो वॉश करने के बाद विंटर सीजन में हमारा स्किन जो है थोड़ा वाइट ही दिखने लगता है और ड्राई हो जाता है ना, वो भी नहीं रहेंगी। और इस फेस पैक के दो फायदे हैं, आप स्क्रबिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इसे अप्लाई करने के बाद जेंटली इस तरीके से मसाज कीजिए, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि वाइट हेड और ब्लैक हेड से। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करें और जेंटली मसाज करिए, वॉश कीजिए नॉर्मल पानी से। और इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आ रहा है और साथ ही साथ ये जो वाइट और ब्लैक हेड्स है ना वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कम होंगे और ये इंस्टेंटली आपके चेहरे पर ग्लो लेके आएगा। तो चलिए फेस पैक को देख लेते हैं कैसे बनाना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने घर पे खुद तैयार किया है, तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए फेस पैक के कैसे बनाना है हम वो देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे ऑल नोटिफिकेशन चैनल की आपको मिलती रहेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसान हैं, आपको घर पे मिल जाएंगे आराम से, आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे बनाने का तरीका मैं आपको जल्दी से झटपट बता देती हूँ। तो ये है ऑरेंज पील ऑफ पाउडर, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके शेयर की है, इसके बेनिफिट्स भी मैंने शेयर किए हैं, मैं आई बटन पर ज़रूर शेयर करूँगी, आप इसका वीडियो ज़रूर चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ है मसूर दाल का पाउडर जो मैंने घर पर बनाया है, थोड़ा सा बेसन, इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिए। एक टमाटर लीजिए, उसका जूस तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही हमारे चेहरे को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर लिया है, थोड़ा सा मसूर दाल का पाउडर ले लूँगी मैं और थोड़ा सा बेसन ले लूँगी। उसमें टमाटर को ऐड करके, अगर आपको एक्ने की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, पिंपल्स रहते हैं, उनके स्कार्स है, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई करें, इससे भी स्कार्स बहुत कम होने लगेंगे और पिंपल्स भी कम हो जाते हैं। तो टमाटर का रस इसमें ऐड करेंगे हम, टमाटर के रस को ऐड करके इसमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद फेस को अच्छे तरीके से वाटर से क्लीन कीजिए, उसके बाद इस फेस पैक को अप्लाई करें। इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट रखिए, फिर जेंटली हाथों से आप जिस जिस जगह पे वाइट हेड और ब्लैक हेड्स हैं वहाँ बस अच्छी तरीके से हल्के से घस लीजिए। थोड़ा रब करने के बाद ठंडे पानी से इसे धो लीजिए, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो कम होने लगे हैं। तो ये फेस पैक आप एक बार बना के अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ मैंने थोड़ी सी मलाई ऐड की है, मलाई ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मलाई अप्लाई करने से क्या होगा, हमारा स्किन जो है थोड़ा ब्राइटर होगा, पिंपल्स के स्कार मिटने में ये हेल्प करेगा और हमारे स्किन को सपल बनाने में भी मदद करेगा। तो बस फेस पैक बन के तैयार है, अब इसे अप्लाई कर लेना है। मैं आपको हाथ में घस के और स्क्रबिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 5 मिनट रखिए और फिर इस तरीके से जेंटली घस लीजिए और थोड़ी देर छोड़कर फिर पानी से अच्छी तरह। ये फेस पैक आपके लिए इतने फ़ायदेमंद है इस विंटर सीजन में, आप एक बार इसे अप्लाई करके ज़रूर देखिए, बना के देखिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, तीनों पाउडर को मेजरमेंट करके मिक्स करके रख लीजिए और बस उसमें लेमन जूस कट या फिर टोमेटो का जूस डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए चेहरे पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।